नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह निकल रही हूँ पासपोर्ट ऑफिस। वहाँ मैंने 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट ले रखा है, मेरा पासपोर्ट रिन्यू कराना है। तो ये पहुँच गए पासपोर्ट ऑफिस के दफ्तर के बाहर। ये देखिए यहाँ का सुबह का नज़ारा। और इसके बाद मैं बाल कटाने जाऊँगी, वहाँ पे भी लेके चलूँगी। ये देखिए यहाँ पे कितने आराम से ये घूम रहे हैं मुर्गे मुर्गियाँ। और ये मैं पहुँच गई मैं पासपोर्ट ऑफिस में, और यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, यहाँ वेटिंग एरिया है, इसमें इंतज़ार कर रही हूँ अपनी बारी का। अपने टर्न आने पे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए मैंने और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, और फिर मैं निकल के चल रही हूँ अपने ब्यूटी पार्लर में जो सरदारपुरा पी रोड में एक फेमस ब्यूटी पार्लर है गजाज, जो मैं अपने बाल यहीं से कटवाती हूँ। यहाँ आ गए, यहाँ पे हिम्मत सिंह जी हेयर स्टाइलिस्ट हैं फेमस, इनसे हम थोड़ी टिप्स भी लेंगे और साथ में मैं अपने बाल भी कटवा लूंगी और थोड़ा सा बाल डाई भी करवा लूंगी। बाल भी कटवाने वाली हूँ और इनसे पूछने वाली हूँ, मेरा थोड़े से बाल जो है वो थोड़ा सा एक जगह जहाँ मांग लगाती हूँ वहाँ पे मेरे को लगने लग गया, बाल जा रहे हैं, गंजी सी लग रही हूँ, तो उसके बारे में पूछने वाली हूँ। तो आप भी ले लीजिए टिप्स कैसे बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं। भैया ये बताओ आपकी ये जो यहाँ से जो यहाँ से बाल जैसे अपन कहाँ से एक मांग निकालते हैं तो वहाँ से थोड़ी गंजा टाइप होने लग जाता है, तो उसके लिए क्या किए करें? देखिए अगर अपना बाल लाइट होते रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो ऑयलिंग करनी चाहिए और जब आपका पार्टिंग चेंज करना चाहिए, जैसे अगर आपका एक ही पार्टिंग रखते हो तो आपका बाल हमेशा थिन होता है, तो अगर उसको अपोजिट साइड रखोगे तो आपके बालों में वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम रहता है बालों में, आपकी डेंसिटी रहती है तो वो आपके बालों में अच्छा रहता है। तो मतलब ये है कि हमको बार बार मांग चेंज करते रहना चाहिए और एक फिक्स पार्टिंग कभी भी नहीं रखना चाहिए। जब हम लोग एक फिक्स पार्टिंग रखते हैं तो हमारे बालों में एक फिक्स पार्टिंग बन जाती है। हाँ, इसलिए बेटर है कि आपको अपोजिट साइड हमेशा बालों को चेंज करता रहना चाहिए पार्टिंग को, जिससे आपके बालों में वॉल्यूम दिखे। आप अपने बालों को केयर करने के लिए ऑयलिंग करनी चाहिए, काफी चीजें यूज करनी चाहिए आपके बालों के टाइप से, जैसे आपके बाल थिन हो रहे हैं, कलर वाले बाल होते हैं, उसके हिसाब से शैम्पू कंडीशनर आपको वो यूज करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी है क्योंकि मेरे को लगने लग गया था मेरे जहाँ से मैं हमेशा एक ही जगह से मैं मांग निकालती थी वहाँ पे थोड़ा बाल नहीं हो रहे हैं, गंजा सा दिखने लग गया था, तो मेरे को समझ में आ गई। और ये फाइनल हेयर कट मेरा हो चुका है, बताइएगा कैसा लगा। और मेरे बाल वाइट भी हो रहे थे, चलो बाल डाई भी करवा लेते हैं साथ में। तो यहाँ जो लॉरियल का कलर यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्यूटी पार्लर भी लेके आ गए हैं बाल दिखाने, तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पे इन्होंने टाइमर लग गया, 35 मिनट्स में मेरा ये इनको लगा के रखते हैं डाई को, और 35 मिनट्स बाद ये हेयर वॉश होगा। इस तरह से आज मैं अपना दिन व्यतीत करने वाली हूँ। और इन्होंने बढ़िया सी मसाज दे के बाल धो दिए हैं मेरे, बाल सुखा देंगी, थोड़ा हेयर ड्रायर कर लेंगे और मेरा काम खत्म, मेरे बाल बन गए हैं। देखिए कैसे लग रही हूँ मैं। थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छा करा, थैंक यू, आप इस तरह सेवा दे रहे हो और आप लोगों को भी जो बताया इन्होंने वो टिप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपका कलर विटामिन शैम्पू है और ये हेयर मास्क है, इसको आपको पानी में डाल के भी यूज करना है, इससे आपके कलर में ब्राइटनेस सॉफ्टनेस होगी। मैंने हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर भी अपने लिए ले लिया। थैंक यू बाबू भैया। और यहाँ से निकलने के बाद पास में ही चार दुकानें छोड़ के बीकानेर स्वीट्स है, तो वहाँ जाके मैं आज गोलगप्पे खाने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स को। मैंने फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया है कि आ जाओ, मैं फ्री हो गई हूँ, बस उनका इंतज़ार कर रही हूँ। उससे पहले मैंने सोचा अंदर जाके थोड़ी सी नमकीन और बिस्किट और खाखरे ले लूँ अपने घर के लिए। तो ये मैं जब तक शॉपिंग करूँगी जब तक मेरी फ्रेंड्स भी आ जाएंगी, और आज हम लोग 10 मिनट की गोलगप्पा पार्टी करने वाले हैं। गोलगप्पे जो हैं दुकान में खड़े होके गोलगप्पा बनाने वाला गोलगप्पे खिलाता है, उसका जो मज़ा होता है वो घर पे कभी नहीं आता है। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ मिलेंगे और तीनों गोलगप्पे खाएँगे और फिर यहीं से अपने अपने घर चले जाएँगे। ये मेरी फ्रेंड्स भी आ गई, आज गोलगप्पे खाने आए हैं और गोलगप्पे वाले जी हमको आप गोलगप्पे बना के खिलाएंगे।
सब्जी वाले, मेरे को आटे वाला चाहिए। चार मैंने इधर रख दिए भैया है, मेरे को आटे वाले खाऊंगी मैं तो। आटे वाले मेरे को खट्टा, आटे वाले, आटे वाले। एक को मीठा, एक को मीठा और एक को खट्टा। हाँ मेरे को खट्टा। ये खट्टा है? हाँ बिल्कुल खट्टा है। हाँ और ये मीठा है? ये लो मीठा, ये मीठा है। लो मुँह में डालो ना जल्दी। पानी अच्छा है भाई। अच्छा ये लो तो धीरे धीरे लेना भाई। हाँ ये हम गोलगप्पा खा रहे हैं तीनों के तीनों। आपको कैसा खट्टा मीठा? मीठा ही देना भैया। अरे वाह मजा आ गया। बहुत सालों बाद खाए। आटे के ज्यादा अच्छे हैं। अरे लो राजू जी। तो राजू जी पानी पताशे कैसे लगे? बहुत अच्छे। कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। इसका पानी बहुत बढ़िया है। बढ़िया था ना? मस्त मजा ज्यादा ही आता है। खाने का मजा ही और हो गया। हाँ मजा आ गया। थैंक यू भैया आपको। ओके बाय बाय। हाँ मैं तो शाम को कल आती हूँ। ओके बाय बाय। चलो बैठो। ओके बाय। ये अपनी गोलगप्पा पार्टी दो मिनट वाली। हाँ चलो ओके बाय बाय। तो ये थी आज की हमारी गोलगप्पा पार्टी जो 10 मिनट में ही ख़त्म हो गई। तो देखिए ना आज मैंने कितने काम कर लिए। मैंने आज अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने दे दिया, साथ में फिर बाल भी कटवा लिए, डाई भी कर ली और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ 10 मिनट की गोलगप्पा पार्टी भी कर ली, गोलगप्पे का लुत्फ भी उठा लिया। और चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और चलिए मिलती हूँ आपसे कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।